नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। आज हम लेकर आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हाँ जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और 5 से 6 मिनट का वीडियो है। ये पूरा देखिएगा, ये आते ही आते हैं एग्जामिनेशन में और इनकी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। दोस्तों ये वोकैबुलरी का पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैनिया एंड फोबिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैनिया और फोबिया होता क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ मैनिया का मतलब क्या होता है और फोबिया का क्या मतलब होता है। वीडियो के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आएगा जिससे आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। और बिलीव मी, जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही आता है। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख लें और ग्रामर का रूल प्लेलिस्ट से जाके समझ लें तो इस सब्जेक्ट में इंग्लिश में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैनिया एंड फोबिया का लिस्ट है वो भी मैं बनाकर आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर पक्का रख दूँगा और वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ होगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए समय की बर्बादी किए बगैर आगे चलते हैं। मैनिया और फोबिया क्या होता है? दोस्तों देखिए, मैनिया यानी पागलपन, उन्माद या सनक, ये नोट कर लीजिए। मैनिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसे हम हिंदी में पागलपन बोलते हैं, उन्माद बोलते हैं या सनक बोलते हैं। और इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स होते हैं फ्रेंजी, क्रेजी या क्रेज, डेलिरियम, मैडनेस, इंसैनिटी, ल्यूनेसी, साइकोसिस या पैरानोइया। ये चीज़ याद जरूर करना क्योंकि ये सिनोनिम्स में भी आ सकते हैं। अच्छा, फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का हिंदी मतलब होता है भय, डर, आशंका या किसी चीज़ का आतंक फील करना। इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स क्या आ जाता है आप देखेंगे तो इसका सिनोनिम हो जाता है फियर, ड्रेड, ओ फ्रेट, टेरर। ये इसका सिनोनिम होता है, आप इसे लिख लीजिए। वैसे भी आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अभी आप बिल्कुल फोकस होकर पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। आइए शुरू करते हैं मैनिया से। अब कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिन्हें आपको तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा, जैसे कि हमने रूट वर्ड से भी समझा था सिनोनिम्स याद करने का तरीका, वैसे मैनिया को भी आप वर्ड को ब्रेक करके समझ सकते हैं। बिब्लियोमेनिया, बिब्लियो का मतलब मैंने आपको बोला था कि याद कर लीजिए, बाइबल एक किताब है जी, क्रिश्चियन धर्म का बाइबल होता है, वैसे बिब्लियो से बाइबल को कोरिलेट कर लीजिए। मैनिया का मतलब मैंने बता दिया था उन्माद, तो बिब्लियो का मतलब किताब है, जिसे किताब का उन्माद हो, सनक हो, उसे बिब्लोमेनिया बोलते हैं। वन हु हैज एक्विजिशन एंड पोजिशन ऑफ बुक्स, किताबें रखने का सनक। डिप्सोमेनिया, देखिए डिप्सो एक अलग वर्ड हो गया, मेनिया सनक उन्माद बताया था, अमेनिया फॉर ड्रिंकिंग यानी दारू पीने की सनक। थैनेटोमेनिया, अमेनिया ऑफ डेथ, मरने की सनक। थियोमेनिया, अमेनिया, थियो का मतलब हमने आपको बताया था ईश्वर या रिलीजन से रिलेटेड, जब हमने थियोलॉजी पढ़ा था सिनोनिम्स में तो यहाँ से सीधा पता चल गया सनक है, किस चीज़ की सनक है, अमेनिया दैट वन हैज गॉड, भगवान बनने की सनक है ये। पायरोमेनिया, अमेनिया फॉर सेटिंग थिंग ऑन फायर, किसी भी चीज़ में, वस्तु में आग लगाने की जो सनक हो जाती है उसे पायरोमेनिया बोलते हैं। फायर और पायरो का कोरिलेशन है ये समझ लीजिए, तो आप भूलेंगे नहीं। मोनोमेनिया, अ मेनिया ऑफ एन आइडिया और इंटरेस्ट पोजेशन, यानी अधिकार बताने का, पोजेशन आ गया ना कि किसी का आइडिया है और इंटरेस्ट है कि वो अपना अधिकार बताता रहे, तो उसे मोनोमेनिया कहा जाता है। लोगोमेनिया, अमेनिया फॉर टॉकिंग, बात करने का भी सनक होता है। ग्राफोमेनिया, देखिए मेनिया वर्ड अलग कर लीजिए, ये सनक या उन्माद है, ग्राफो यानी ग्राफी से रिलेटेड हो गया,
तो आपको झट से याद आ जाना चाहिए कि अमेनिया फॉर राइटिंग, लिखने का सनक है। ड्रोमोमेनिया, अमेनिया फॉर ट्रेवलिंग, घूमने का सनक। आगे आइए और देखते हैं ऐसे ही कुछ नए वर्ड। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया याद कर लीजिए, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर में क्या होता है, कई लोग आते हैं और उन्हें कोई चीज़ें अच्छी लगती है, हालांकि वो लोग खरीद सकते हैं पर खरीदते नहीं हैं, वो चुराते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को खरीद नहीं सकते, वो खरीद सकते हैं पर उन्हें चोरी करने की एक सनक होती है, उन्माद होता है और उन्हें अच्छा लगता है चोरी करना, तभी खरीदते नहीं हैं और चोरी करते हैं। नोट कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो गरीब हैं इसलिए चोरी कर रहे हैं या उसे खरीद नहीं सकते, उतना पैसा नहीं है, पर ये एक बीमारी है, मैंने जैसा बताया आपको, उन्माद है, सनक है, उसमें क्या होता है कि आदमी को चोरी करने की सनक हो जाती है, तो उसे क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। एंथोमेनिया, अब एंथो का क्या है, फूलों की सनक हो गई, फ्लावर्स की। साइनोमेनिया यानी डॉग्स की, कुत्ते रखने की सनक हो गई, कई कुत्ते रखेंगे, कुत्तों से खेलते रहेंगे, इस टाइप की सनक जो हो जाती है उसे साइनोमेनिया बोलते हैं। मेगालोमेनिया, अ साइकोलॉजिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, बीइंग इम्पोर्टेंट, कंट्रोलिंग अदर लाइफ। मतलब खास बात इसमें ये है कि किसी को मेगालोमेनिया आप बोलेंगे, मेगा माने बड़ा दिखना, ठीक है, अपने आप को खास या बड़ा दिखाने की सनक को मेगालोमेनिया कहते हैं, ये एक उन्माद है। हेडोमेनिया यानी प्लेजर, खुशी की सनक। अब वो चाहे कुछ भी करे, उसे खुशी हासिल करनी है, उसे खुशी किस तरह से हासिल होती है, चाहे पैसा खर्च करके हो, किसी से लड़ के हो, किसी से झगड़ के हो, उसे जिस चीज़ में खुशी मिलेगी वो करने के लिए उतारू रहेगा, सनक होगा उस पर, उसे हेडोमेनिया बोलते हैं। साइटोमेनिया या सिटोमेनिया भी बोल सकते हो आप, इसमें ईटिंग, खाने की सनक होती है, वो खाता ही रहता है बस। प्लूटोमेनिया, जिसे धन की सनक हो जाती है, अमीर बनने की सनक हो जाती है, उसे प्लूटोमेनिया बोलते हैं। आगे आइए दोस्तों, आगे देखते हैं, अब नया स्लाइड वो है फोबिया के ऊपर। ये 16 मेनिया जो थे आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फोबिया, फोबिया हमने आपको बताया था, डर, आशंका या आतंक, फियर, ड्रेड बताया था आपको। अब इसको पढ़ते हैं कि आदमी को या इंसान जाति को किस किस चीज़ का डर होता है जो मन में बैठा रहता है, भले ही वो आप ये समझ लीजिए कि वो वास्तविकता है या नहीं है, पर उसमें वो डर बना रहता है, इसलिए वो उस चीज़ से डरता है या उस टाइप की चीज़ों से डरता है बोल सकते हैं। तो ये डर किस टाइप का होता है, इसे हमने टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, आप समझिएगा इसे। अब्लूटोफोबिया यानी नहाने का डर, आदमी नहाता ही नहीं, उसे डर लगता है मैं नहाऊंगा तो क्या हो जाएगा पता नहीं। एक्मोफोबिया, चुभने का डर, फियर ऑफ नीडल्स एंड अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, उसे हमेशा डर बना रहता है कि मेरे को कोई चीज़ ना चुभ जाए। एंथ्रोफोबिया, एंथ्रो हमने पढ़ा था मानव जाति से संबंधित था, तो यहाँ पे आदमी का डर हो जाता है उसे, फियर ऑफ मैन। एंटलोफोबिया, बाढ़ का डर, फियर ऑफ फ्लड्स। अनुप्टाफोबिया, अकेले होने का डर, फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल। एपीफोबिया, एपी हमने बताया था आपको, रूट वर्ड में मधुमक्खियों से रिलेटेड है, तो फियर ऑफ बीज, उसे मधुमक्खी का डर लगता है, वो मधुमक्खी देख लिया तो बस चिल्लाना शुरू हो जाएगा, इस तरह से याद करेंगे जोड़ के तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यूफोरपिया, ठीक है, अच्छी खबर का डर, हियरिंग गुड न्यूज़। हर्पेटोफोबिया, हर्पेट किससे रिलेटेड है, रेप्टाइल से, सांप से, जिन्हें हम रेप्टाइल्स बोलते हैं ना, सरीसृपों का डर। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोजन से आप क्या बना सकते हैं शब्द, H2O, हाइड्रोजन होता है, वाटर, वाटर को हाइड्रो बोलते हैं, तो ये पानी का डर हो गया, हाइड्रोफोबिया। अभी क्लेप्टोमेनिया बताया था कि चोरी करने का उन्माद हो जाता है, यहाँ पे देखिए क्लेप्टोफोबिया, चोरी का डर, उसे डर लगा रहता है आदमी को कि कहीं कोई मेरी चीज़ चुरा ना ले जाए, ये एक प्रकार की बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये सारा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
एंटोमोफोबिया, कीड़ों का डर, फियर ऑफ इंसेक्ट। गायनोफोबिया, गायनोकोलॉजिस्ट से जोड़ लीजिए, गायनोकोलॉजिस्ट किस में औरतों को चेक करती है, इलाज करती है ना, तो आप ये ले लीजिए गायनोफोबिया, मतलब जो औरतों से डरता है, फियर ऑफ वुमेन। हेनेटोफोबिया, खून का डर, फियर ऑफ ब्लड, ब्लड देखा नहीं बेहोश हो जाएगा, उसे हेनेटोफोबिया होते हैं। एंग्लोफोबिया, दर्द होने का डर, फियर ऑफ पेन, दर्द हुआ नहीं है पर दर्द होने के डर से ही पहले आदमी भयभीत रहता है। डेमोफोबिया, भीड़ का डर, वो भीड़ में जाते ही नहीं है, घबराते हैं। जेनेटोफोबिया, शादी का डर, इसलिए कई लोग शादी नहीं करते। थैनेटोफोबिया, मरने का डर, फियर ऑफ डेथ। अर्गोफोबिया, काम का डर, फियर ऑफ वर्क, कि काम ज़्यादा ना हो, काम मिल गया तो आदमी घबरा जाता है। मोनोफोबिया, अकेले होने का डर। अभी ऊपर देखिए, हमने अकेले होने का डर एक और से पढ़ा था, वो कहाँ पे था अगर आपने देखा होगा, रिपीट करता हूँ ताकि आपको आसान रहे। फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल, अनुप्टाफोबिया, प्लस ये देखिए जो दूसरा वर्ड है इसमें भी सिंगल का था और ये अलोन का है, कंफ्यूज मत होना। मोनोफोबिया, मोनो माने अकेला होता है, ठीक है, मोनो माने सिंगल होता है ना, एक, तो अकेला, ऐसे जोड़ लीजिएगा याद हो जाएगा। पाइडोफोबिया, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर होता है तो बच्चों का डर, आप ऐसे कोरिलेट करेंगे कि जो बच्चों का इलाज करता है वो पीडियाट्रिशियन होता है, और शिशु रोग विशेषज्ञ हमने की रूट वर्ड में पढ़ा था, तो वैसे ही पेडोफोबिया आ गया तो बच्चों का डर होगा। लोगोफोबिया, बोलने का डर। हेप्टोफोबिया, छूने का डर, फियर ऑफ टच। तो ये डर इन्हें बना रहता है दोस्तों। आगे चलिए और आगे वर्ड सीखते हैं। एग्रोफोबिया, अब देखिए एग्रो एग्रीकल्चर से जोड़िए, एग्रीकल्चर यानी कृषि से, कृषि करने के लिए क्या चाहिए होता है, खुला मैदान, तो ऐसे जोड़ के देखिए कि खुले स्थान का डर जिसे होगा, फियर ऑफ ओपन प्लेस, उसे एग्रोफोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर, फियर ऑफ हाई प्लेस, ऊपर चढ़ ही नहीं सकते वो, डरते हैं। पायरोफोबिया, पायरो का मैंने आपको बताया था फायर से रिलेटेड, तो आग का डर, फियर ऑफ फायर। नोसोफोबिया या पैथोफोबिया, नोसोफोबिया होता है बीमारी का डर और पैथोफोबिया होता है किसी बीमारी का जो जन्म होता है किसी पैथोजन के कारण, यानी कि वो भी एक बीमारी है, किसी जीवाणु के कारण बीमारी पैदा होती है। मान लीजिए जैसे अभी कोविड 19 ही है तो वो पैथोफोबिया है, कई लोग तो पैथोफोबिया से भी बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बीमारी का डर लगा रहता है। क्रोमिटोफोबिया, पैसे का डर, फियर ऑफ मनी, पैसे का डर लगा रहता है। हिप्पोफोबिया, घोड़े का डर। साइमोफोबिया, कुत्ते का डर। साइटोफोबिया, खाने का डर, खाने से डरते हैं वो। ज़ेनोफोबिया, विदेशी का डर, फॉरनर आदमी या स्ट्रेंजर से डरते हैं। एरिस्टोफोबिया, बिजली चमकने का डर, आकाश में बिजली चमकती है उन्हें डर लग जाता है, इसे फियर ऑफ लाइटिंग ऑफ थंडर बोलते हैं। हाइनोफोबिया, सोने का डर, वो सोते ही नहीं है, उन्हें नींद नहीं आती है क्योंकि सोने के बाद उन्हें पता नहीं क्या क्या मन में चलता होगा कि क्या हो जाएगा, तो उन्हें डर होता है। एंथ्रोफोबिया, मानव जाति का डर, और एक्लोफोबिया, अंधेरे का डर, अंधेरे में कहीं दो कदम भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, फियर ऑफ डार्कनेस बोलते हैं। दोस्तों ये सारे फोबिया मैंने एक लिस्ट में बनाकर इसलिए दिया है आपको ताकि आपके एग्ज़ाम में जो वर्ड्स आएंगे उसे एक साथ आप क्लब करके पढ़ सकें, उसका हिंदी मीनिंग भी बताया और याद कैसे करना है ये भी बताया। आप ये 45 वर्ड याद कर लीजिए, आपके हर एग्ज़ाम में रिपीटेडली आएंगे फोबिया से रिलेटेड एक आधे क्वेश्चन, और मैनिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वोकैबुलरी के अंदर हमने कवर किया है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, इसी टाइप के वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो
तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। 15 मिनट में देखिए आपने कितने वर्ड याद कर लीजिए किए हैं और एक ही लिस्ट पे याद किया है। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगता है और आपको किस टाइप के वीडियो और चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।